नमस्कार दोस्तों, आज हम रीडिंग में पढ़ेंगे और उसमें आकृतियों की गिनती के बारे में जानते हैं। क्या होता है आकृति गिनती? आकृति की गिनती में हम आकृति की गिनती दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक, सरल रेखाओं एवं त्रिभुजों की गिनती। सरलरेखाएं और त्रिभुजों की गिनती। दूसरा, चतुर्भुज और उनके बहुभुजों की गिनती या बहुभुज की गिनती। देखिए, सरल रेखाओं में जैसे जैसे देखिए ये है, तो इसमें कितने सरल रेखाएं हैं? सरल रेखाएं में हम कैसे गिनेंगे? रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक स्लैंट लाइन तिरछी रेखाएं होती हैं। तो रेखाएं हो गई। तो जैसे देखिए, इसमें कितनी रेखाएं हैं? चार रेखाओं से मिलकर बनाए ना, इसमें चार रेखाएं हैं ना। और जैसे देखिए, इसमें एक इधर इधर, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया ना, और ऐसे ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो जैसे इसमें पूछे कितने सरल रेखाएं हैं, तो सरल रेखा इसमें कितनी होंगी? 8 होंगी। जैसे पूछे त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज के लिए 1 2 3 4 6 7 8। तो ये 8, इसमें ऐसे ज्ञात करने के लिए 8 × 2 कर देंगे तो 16 त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है? 16। तो इसी प्रकार से इसमें सब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे देखिए, ये वाला, इसमें हमें लेना है इसमें कितने रेखाएं हैं? तो देखिए, इसमें 3 रेखाएं हैं। पहले ऐसे हो गया, 3 ऐसे हो गया, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कुल कितने रेखाएं हैं? 11। अब जैसे इसमें पूछे त्रिभुज कितने हैं, तो कैसे करेंगे? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये त्रिभुज नहीं। नौ 14 हो गया ऐसे पे, 14 एक बड़ा वाला, 15 और ये तो गिन ले, 1 16 1 17 17 हो गया, और ये कैसे पे 18 ना, और एक ऐसे पे 19, एक ऐसे पे 20,
बीस ना, और एक ऐसे पे 22। तो इसमें कुल कितने होंगे? 22 हो जाएंगे। 22 त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए, जैसे ये त्रिभुज गिनना है, एम एन नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं, तो इस पे नंबर ऑफ त्रिभुज कैसे गिनेंगे? 1 2 3, इसमें ऐसे जोड़ लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 त्रिभुज होंगे। जैसे लाइन गिनना है तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन होंगे। और इस पे देखिए, जैसे तुमसे हमसे पूछा है कितने स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन इसमें कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो जाएंगे? 12। 12 रेखाएं हो जाएंगी। और त्रिभुज का निर्णय है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे तो 16 इसमें हो गया, और 3 इसमें हो जाएगा, और 1 ये त्रिभुज है ना, प्लस 2, तो 16 3 19 से 22, 21 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ आई बात? इसमें देखिए कि नहीं, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया ना, एक ऐसे पे 6, एक ऐसे पे 7, एक ऐसे पे 8। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? ऐसे पे 4 हो रहा है, देखते किसी क्या था आकृति। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये पूरा त्रिभुज है ना, 5 त्रिभुज हो गया। देखिए 1 ऐसे पे 6 हो गया, 1 ऐसे पे 7 हो गया, 1 ऐसे पे 8 हो गया, 8 हो गया ना। और देखिए ये बन रहा है, ऐसे भी 9 हो गया, 9 हो गया ना। इस पे नामकरण कर लीजिए, इसमें पूरा 10 त्रिभुज होंगे। देखिए जैसे सी डी, सर तो त्रिभुज कैसे हो जाए? जे ए बी सी डी ई एफ
जे आई एच जी, तो यह जी एच आई जी। अब देखिए इसमें गिनिए, पहले ये वाला गिन लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। पांच हो गया ना। अब देखिए त्रिभुज ए आई सी, ए आई सी मतलब ये वाला ए आई सी हो गया, और त्रिभुज ए ई एच ई एच बी, ई एच बी ये वाला त्रिभुज हो गया, समझ रहा। और त्रिभुज ये पूरे पांच हो गए, पहले ये जोड़ लीजिए, फिर एक दो। अब देखिए त्रिभुज ई एफ सी, ई एफ सी ई वाला त्रिभुज हो गया, तीन ही होगा। आपका त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए त्रिभुज डी जे पी, देखिए डी कहाँ है, डी जे बी ए भी।